अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर 2 और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम और कुछ बेस कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स क्या है इससे बात कर लेते। तो सबसे पहले तो वही बात कि नंबर्स इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर्स के लिए, यही अदर वर्ड्स डिजिटल सिस्टम्स के, क्योंकि डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर भी एक डिजिटल सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरचेंजेबली कंप्यूटर का वर्ड यूज करता हूँ तो उसका मतलब भी एक डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्यों जरूरी है डिजिटल सिस्टम के लिए नंबर्स। पहली चीज, टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रिसाइसली, जितना ज्यादा मेमोरी या नंबर स्टोर कर सकेगा उतना प्रिसाइस होगा। और फिर प्रोसेसिंग भी करनी है तो वो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी डेफिनेटली न्यूमेरिक नेचर होगी, नंबर्स रिक्वायर्ड। अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए कि कंप्यूटर को से दो चीजें अपने पास स्टोर करनी है, से यस नो, ट्रू फॉल्स, हाई लो, तो उसको वो रिप्रेजेंट कर सकता है दो नंबर्स की फॉर्म में। से उसने कहा 0 का मतलब है नो और 1 का मतलब है यस। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो नंबर्स में बात करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर को 4 सीजन्स जो है उनको रिप्रेजेंट करना हो, तो 4 सीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए से 4 नंबर रिक्वायर्ड है। 0 से उसने ऑटम के लिए कर लिया, 1 विंटर के लिए कर लिया, 2 स्प्रिंग के लिए कर लिया और 3 समर के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया, 4 के लिए रिप्रेजेंट करना था तो उसने 3 तक ले लिया। से उसे 7 डेज ऑफ वीक रिप्रेजेंट करने हो तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और 6 तक 7 डेज ले लेगा। अच्छा, 0 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा, और क्यों हो रही है अभी थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे हमारी हमारे नंबर्स भी 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम 0 को लिखते नहीं, हम काउंटिंग में 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन 1 से अगर कोई पहले नंबर होता है तो वो 0 होता है। 0 इज द, कहना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट, कि उसके लेफ्ट पर जो नंबर है वो नेगेटिव है, राइट पर जो नंबर है वो सब पॉजिटिव। हाउ ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ह्यूमंस कैसे प्रोसेस करते हैं। ह्यूमंस का तो एक तरीका है केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन्स होते हैं, वो फायर। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर इस तरीके से काम कर नहीं सकता, लेकिन जिसने कंप्यूटर इन्वेंट किया था या डिजिटल सिस्टम इन्वेंट किया था उसने सोचा ऐसे ही था कि कॉपी करे था ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, फिर ये न्यूरॉन्स का टॉपिक पे अगर मैं जाऊँगा तो बात निकल जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे, कि वो भी ऐसे ही प्रोसेसिंग करवाने की कोशिश करते हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं कर पाए कि ह्यूमन की तरह बना सके, लेकिन कॉपी उसी को किया गया, उसी के आर्किटेक्चर, उसी के ब्रेन मैप्स को कॉपी किया। ह्यूमन प्रोसेस करते हैं डिफरेंटली, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हैं डिफरेंटली। ह्यूमन तो केमिकल रिएक्शन पे करता है, लेकिन कंप्यूटर करता है या डिजिटल सिस्टम करता है नंबर्स। तो नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की अगर बेस यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर का बेस यूनिट होता है एक स्विच, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप अपने रूम में मौजूद किसी भी स्विच बोर्ड को देख सकते हैं, उसका नाम ही स्विच बोर्ड है। तो उस पर जो भी बटन लगा होता है जो ऑन ऑफ करता है, कि वही कॉन्सेप्ट है। बटन एक वक्त में एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन उसकी टू मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट हो सकती है, या तो वो ऑन स्टेट में होता है या तो वो ऑफ स्टेट में होता है, किसी कोई स्टेट नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम भी जो स्विचेस यूज करते हैं वो 2 स्टेट में हो सकते हैं, ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट। ठीक है, और ऑन को यहाँ पे कहा जाता है 1 और ऑफ को कहा जाता है 0। ठीक, बाइनरी नंबर्स की अगर बात की जाए तो बाइनरी नंबर्स का जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है बिट, शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। और बिट में यही 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, यही 2 स्टेट आ सकती हैं, आइदर 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर या तो एक बिट की अगर बात की जाए वो 0 होगा या 1। लेकिन स्टोरेज यूनिट को ग्रुप किया जा सकता है अगर आपको लार्जर नंबर रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 1 में बात कर सकता है तो इसका मतलब कंप्यूटर सिर्फ 2 ही जवाब दे सकता है, हाँ ना, ब्लैक एंड व्हाइट, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के जवाब दे सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ तो कंप्यूटर से या डिजिटल सिस्टम से मैं इससे ज्यादा काम करवा रहा हूँ। मैं उससे 4 सीजन भी रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, मैं उससे 7 डेज ऑफ वीक भी रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, और आजकल तो क्या क्या करा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 0 1 की बात नहीं है, मैं 0 1 को अगर ग्रुप कर लूं तो मैं और भी कुछ बड़े डिसीजन ले सकता, जैसे कि ये यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास जो है हाईलाइट कर देता हूँ, 2 स्विचेस हैं और ये 2 स्विचेस हैं, मैंने एक लाइन में 2 स्विच लगा,
ठीक है। तो अब ये दो स्विचेस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि दोनों स्विच ऑफ स्टेट पे हो, जैसे कि ये वाली स्टेट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला वाला ऑन हो, दूसरा वाला ऑफ हो जाए, मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बता। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही ऑन स्टेट। ठीक है, तो टू स्विचेस कैन रिप्रेजेंट फोर वैल्यूज, क्योंकि ये फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो दोनों ऑफ होंगे, या दोनों ऑन होंगे, या पहला ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, या पहला ऑफ होगा दूसरा ऑफ होगा। तो अगर मैं ऑन और ऑफ की बात करूँ, तो अभी मैंने बताया था पीछे स्विच अगर ऑफ है तो उसका मतलब है जीरो, और ऑन है तो उसका मतलब है वन। तो पहले केस में पहला भी ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, तो दोनों ऑफ के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जीरो जीरो। ठीक है, दूसरे केस में देखा जाए तो पहला ऑफ है, दूसरा ऑन है, तो ऑफ वाले के लिए जीरो और ऑन वाले के लिए वन, तो मैंने इधर रख लिया जीरो वन। फिर इसी तरह ये वाला ऑन है और ये वाला ऑफ है, तो इंटरचेंज हो गया, ऑन वाले के लिए वन, ऑफ वाले के लिए जीरो। और इस केस में दोनों ऑन है तो दोनों के लिए मैंने लिख दिया वन। ठीक है, और इसके साथ में मैंने इसके वैसे डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिए, लेकिन ये कैसे आते हैं आगे चल के आपको पता लगेगा। लेकिन ये चार चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो जीरो से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वन है, तीसरा टू है, चौथा थ्री। ठीक है, तो दो स्विचेस से मैं एक्चुअली चार वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मैं तीन स्विचेस ले आऊं तो मैक्सिमम मैं कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जी क्लास? तीन स्विचेस से मैक्सिमम मैं कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे एक और स्विच लगा देता हूँ, से यहाँ पे एक और स्विच आ जाए। ठीक है, तो अब बताएं कि मैं कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिर्फ टू, नाइन, कैसे नाइन कैसे आएंगे? चलिए ठीक है, आप लोगों ने गैस किया, अब मैं बता देता हूँ और फिर तरीका भी बता दूंगा कैसे। एट वैल्यूज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे रिक्वायर्ड होते हैं थ्री स्विचेस। 16 वैल्यूज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे रिक्वायर्ड होते हैं फोर स्विचेस। तो ये मैं किस बेस पे कह पा रहा हूँ? ये बेस इस बात पे कह पा रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है जनरल, और वो है ये टू टू द पावर एन, और एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्विचेस को। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्विचेस या नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट। और बेस में मैंने टू क्यों रखा है? बेस में मैंने टू इसलिए रखा है कि हर स्विच या हर बाइनरी डिजिट की दो ही पॉसिबल स्टेट हो सकती है, या तो वो जीरो हो सकता है या तो वो वन हो सकता है। तो इस वजह से बेस टू, तो हमेशा बेस टू ही रहेगी, और नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ स्विचेस जितने बढ़ते जाएंगे वो नंबर आगे बढ़ते। तो अब आप देखें, अगर मैं 2 टू द पावर 3 करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? 8। 2 टू द पावर 4 करता हूं तो मेरे पास आएगा 16। यानी बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट्स जो है वो 2 की पावर में इंक्रीमेंट होते हैं, यानी 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, 256 होगा, 512 होगा, 1024 होगा, और फिर क्या बन जाएगा, 1 एम बी बन जाएगा या के बी बन जाएगा, के बी के बाद फिर एम पी बन जाएंगे, और इस तरीके से सिलसिला चलता है। तो जनरलाइज फार्मूला क्या है? 2 टू द पावर एन, और एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ स्विच, कुछ भी आप कह सकते। अब समझ में आइए बात कि किस तरीके से मैंने कहा कि 8 या 16 के रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट और 16 के लिए 4 बिट, ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए, थोड़ा और एम्फसाइज करता हूँ और एग्जांपल्स के साथ। इन जनरल n बिट कैन रिप्रेजेंट 2 टू द पावर n डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, इन जनरल क्या कहा जा रहा है? 2 टू द पावर n जो है मैक्सिमम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर n आपकी नंबर ऑफ बिट्स। और 2 बेस क्यों आया? क्योंकि बाइनरी नंबर में दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, और वो स्टेट्स हैं 0 या 1। ठीक, तो ये है आपके सामने एग्जांपल्स। अगर 1 बिट है तो उससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अप टू 2 मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यूज क्या होंगी? वो वैल्यूज होंगी 0 होगा,
और वन, बस ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर मेरे पास टू बिट्स आ जाएंगी तो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो मैं मैक्सिमम फोर वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो वैल्यूज क्या होंगी, जीरो जीरो से स्टार्ट होंगी, फिर जीरो वन आएगा, फिर वन जीरो आ जाएगा। ध्यान रहे ये स्विचेज हैं, स्विचेस को जहन में रखते हुए, और वन वन। तीन बिट करता हूँ तो मैक्सिमम मैं एट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और तीन बिट्स हैं तो तीन मरतबा जीरो आएगा, फिर दो जीरो एक वन वाला कॉम्बिनेशन आएगा, फिर अच्छा अभी इसमें परेशान नहीं होना है कि कॉम्बिनेशन किस सीक्वेंस में आ रहा है, इसका एक पैटर्न होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से। लेकिन ये टोटल एट कॉम्बिनेशन आएंगे जब आप इसको उस पैटर्न के तहत बनाएं। और इसी तरह जब हम फोर बिट करते हैं तो मैक्सिमम 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, और हर कॉम्बिनेशन में फोर फोर बिट्स, तो स्टार्ट ये भी चार जीरो से होगा और एंड ये भी चार वन पे ही होगा, लेकिन बीच में किस तरीके से वैल्यूज आएंगी, क्या पैटर्न होता है, वो पैटर्न आप लोगों को सिखा दूँ। ठीक है, अभी इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये देखना है कि n है, n सेम टू टू द पावर n एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी अगर मुझे 7 days ऑफ वीक रिप्रेजेंट करने हैं तो मुझे एटलीस्ट 3 bits रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, 7 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 7 को मैं 2 bit में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 2 में मैक्सिमम 4 तक जाया जा सकता है, 3 में मैक्सिमम 8 तक जाया सकता है, और मेरी जरूरत क्या है 7, तो 7 के लिए मुझे 3 bits रिक्वायर्ड हो। ठीक है, यानी अगर मैं इसको फॉर्मूले को रिवर्स कर दूं तो रिवर्स ये है कि अगर मुझे बोला जाए कि भाई आप मुझे ना अभी जैसे मैंने अभी कहा 7 days ऑफ वीक को रिप्रेजेंट करना है, पता है कितने दिन में कितने बिट्स में होंगे, तो ये रिवर्स फॉर्मूला है कि लॉग 2 ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, लॉग 2, यानी ये एंटी लॉग लेना है लेकिन मैंने बेस 2 का लेना है, बेस 10 का एंटी लॉग नहीं। 2 टू द पावर n इज एक्चुअली, सॉरी ये लॉग है, ये एंटी लॉग, 2 टू द पावर n इज एंटी लॉग बट इन बेस 2, और ये लॉग है इन बेस 2। ठीक है, कैलकुलेटर में नॉर्मली जो आप लॉग और एंटी लॉग करते हैं वो बेस 10 होता है, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में डील कर रहे हैं, यहाँ पर हम बाइनरी सिस्टम में डील कर रहे हैं तो लॉग और एंटी लॉग 2 वाले होते हैं। देखो अब यहाँ पे कहा है 32 वैल्यूज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपने देखा 2 टू द पावर 5 इज 32, आपने 64 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो आपने कहा 2 टू द पावर 6 इज 16, आपने कहा 1024 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो इट मीन्स 2 टू द पावर 10 इज 1024। और अभी आपको आस्ते आस्ते वैल्यूज खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम लेक्चर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 40 या 2 की पावर में नहीं आता, ना ये 100 2 की पावर में आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये पता है कि 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 से तो बड़ा है, ये 32 जो मैंने लिखा था 32 मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो सकता है 5, लेकिन 40 जो है वो बड़ा है, 32 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट काफी नहीं होगी, मुझे 6 रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरह 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 7 चाहिए, क्योंकि 6 में जो मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो है 64। ठीक है, मोर ऑन दैट लेटर या इससे तक क्लियर होता जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी बस आपको जो बात याद रखनी हुई याद रखनी कि 2 टू द पावर n जो है वो फॉर्मूला है जिससे मैं बता सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यूज इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये लॉग वाला फॉर्मूला रिवर्स करता है, अगर आपको कॉम्बिनेशंस पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला ये बताने के लिए कि इतनी बिट्स में कितनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, और नीचे वाला फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो आप रिवर्स करते हुए उसके बिट्स बना सकते। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि फिर वो टॉपिक आगे के जो है वो इसी में कवर करने पड़ जाएंगे, और वो सीक्वेंस से मैंने रखे हुए अभी मैं जाना नहीं चाहूंगा, बस अभी याद रखें 2 टू द पावर n इज द फॉर्मूला। पोजिशनल रोटेशन, सॉरी पोजिशनल रोटेशन का मतलब अगर आप याद करें तो आप शुरू से जो मैथ्स करते आए हैं, ठीक है, मैथ्स में अगर आप ये नंबर लिखते हैं 7594, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना 7594 को 7000, ठीक है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ, ये नंबर ऐसे बनता है कि इसमें आप एक्चुअली लिख रहे होते हैं 7000, ठीक है, और उसमें ऐड कर रहे होते हैं क्या चीज 500, अच्छा इधर से एडिशन हटा देता हूँ, थोड़ा सा 7000 में ऐड करने 500, फिर 500 में ऐड करेंगे 90, और फिर 90 में ऐड करेंगे 4, ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं तो आपका बनता है
इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो 7594। सही, ये तो आता है ना सबको कि जो 7 है वो 1000 पे है और 5 जो है 100 पे है, 9 जो है 10 पे है और 4 जो है यूनिट पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ना ही मुझे बता देता है 7594, तो इसका मतलब है 7 इसमें 1000 मौजूद है, 5 इसमें 100 मौजूद है, 90 इसमें मौजूद है, 4। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी है। 7000 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 10³। ठीक है, पावर का साइन है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 × 10³। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10²। इधर 90 को भी मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁻¹। और फिर 4 को मैं लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ 4 × 10⁻³। क्या ये इक्विवेलेंट है? 10³ इज 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7000, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 10⁻², मींस 100, 100 मल्टीप्लाई 5 इज 500, ट्रू। 10⁻¹ इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 90, ट्रू। 10⁻₀ मींस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, ट्रू। तो एक्चुअली नंबर्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया। और यहाँ पे भी अगर आप देखें इस लाइन में एक्सपेंड होके लिखा हुआ है कि 7594। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम या नंबर स्केल है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, नीचे कोई और एग्जांपल लिखी हुई, लेकिन आप बात समझ जाएंगे कि ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट इस जगह पे मौजूद है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो 10⁻₀ से शुरू होता है, फिर आगे 10⁻ बढ़ती जाती है, 1 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है, फिर आगे और जाएगा तो 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर अगर जा रहे हैं तो आप पावर देखें नेगेटिव होती जाए, 10⁻⁻¹, 10⁻⁻², 10⁻⁻¹¹। ठीक है, एंड सो ऑन, -4, 5, 6 चलता रहेगा। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे पावर 0 से ऑनवर्ड आगे बढ़ रही होती है और राइट पे नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, यानी 1/10, 1/100, 1/1000 माइनस का मतलब ये है। ये बात क्लियर हुई? नंबर स्केल पे ये जो 10⁻₀, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे बढ़ रही है, बात क्लियर है? ठीक है, गुड। तो ये मैथ्स का लेसन जो स्कूल वाला था ये मैंने अभी क्यों दिया, ये मैथ्स का लेसन सिर्फ मैंने इस वजह से दिया कि आपको अगर ये बात समझ में आ गई है कि पावर डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे 0, 1, 2, 3 करती हुई बढ़ती है और राइट पे नेगेटिव में बढ़ती है। ठीक है, तो मैं आपको अब असल वो बात समझा सकता हूँ जो आपको समझा। अच्छा, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े होंगे ना अपने फिजिक्स में, तो जो लेफ्ट वाला नंबर होता है उसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस नंबर में से अगर मैं 7000 हटा दूं तो मेरा नंबर का वेटेज भी बदल जाएगा। यानी इट्स लाइक कि अगर मैंने ये समझिए मनी है और ये मैं आपको ओ करता हूँ, मैं आपको 7594 रुपीज ओ करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें से कहूँ यार 7590 ले लो और छोड़ दो, आ कहेंगे चलो खैर है। ठीक है, क्योंकि 4 की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं उधर से 7 हटा दूं, मैं 7594 में से आपको यार 7 हटा दो बाकी ले लो, आगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, 7 की सिग्निफिकेंस ज्यादा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, मेरी अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट ज्यादा है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, समझ आई बात? तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं मजीद बात समझाता हूँ आपको कि ये तो थी बेस 10 की बात, लेकिन अब तुम बात करें बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर में तो होगी बेस 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सिस्टम वही रहेगा। बस फर्क क्या आएगा कि जहां पे मैं बेस 10 कर रहा था मैं वहां पे क्या कर दूंगा, बेस 2 कर दूंगा। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट वही है, डेसिमल पॉइंट ये रहा,
जो लेफ्ट पे नंबर है वो 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1, फिर 2 to the power 2, फिर 2 to the power 3, सो वैसे ही बढ़ रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बेस चेंज होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर बेस 2 ही होती है और डेसिमल बेस 10 होती है। तो अभी तक जो मैथ्स पढ़ते हैं वो बेस 10 की पढ़ते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो बेस 2 वाली, क्योंकि कंप्यूटर का यूनिट बेस 2 है। तो ये बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल वैसे ही नंबर रिप्रेजेंट होंगे, पहले चीज जो होगी वो 2 to the power 0 होगी, दूसरी 2 to the power 1, 2 to the power 2, फिर 2 to the power 3, 4, 5, 6 एंड सो। ठीक है, तो अब आपको रिलेट कर सकते हैं, जैसे बेस 10 काम करता है वैसे ही बेस 2, बस फर्क क्या आएगा 10 के बजाय आपने 2 से काम करना। ठीक है, अब हम कुछ और टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जो हमारे असल टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये मैंने बताया कि assuming non-negative या unsigned number, अगर unsigned number की बात करूं, यानी मैं इस वाले portion को consider ही नहीं कर रहा, ये वाला portion फिलहाल ignore कर देते हैं, और ये सारे number positive, तो मेरे पास जो formula होता है वो ये होता है कि कितने number represent कर सकता है 2 to the power n minus 1। ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ा number आएगा वो आएगा 2 to the power n minus 1। यहाँ पे अगर मैं 4 प्लेस कर दूं तो ये होता है 2 to the power 4 is 16 और -1 is 15। तो ये देखेंगे मैक्सिमम जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है वो क्या है, 15 रिप्रेजेंट कर सकता है। ये माइनस वन मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो काउंटिंग में मेरा एक काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट करता तो 16 तक जाते, लेकिन मुझे जीरो भी रिप्रेजेंट करना होता है, जीरो भी एक नंबर है, तो इसलिए मेरी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो हमेशा 1 लेस जाती है जो भी मैक्सिमम मेरा नंबर आता है 2 to the power n। अच्छा, ये नंबर अगर मैं आपको पैटर्न बताना चाहूँ कि कैसे लिखे हुए, तो चले अभी बता देता हूँ। उसका पैटर्न ये होता है कि आप सबसे पहले देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड, यानी राइट मोस्ट साइड। तो इसमें अगर आप चेंजेस देखें तो आपको पेयर दिखाई दे रहे होंगे, इधर पहले एक जीरो आता है फिर एक वन आ जाता है, फिर दोबारा क्या करूँ मैं, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक, और ये पैटर्न नीचे तक रिपीट हुआ। दूसरे वाले की बात करूं तो इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 2 0 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, इस तरीके से चल रहा है। तीसरे वाले की बात करूं तो इसमें 4 0 4 1 का पैटर्न है, यानी डबल हो रहे हैं, पहले एक एक था फिर 2 2 हुआ फिर 4 4 हो गया, अब इसमें देखो 4 0 4। और इसकी बात की जाए तो इसमें 8 0 और 8 1 आ रहे हैं, 8 0 8 1 आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये पैटर्न कैसे बन गया। इस पैटर्न का एक तरीका है, पैटर्न देखिए पहले में क्या आ रहा है, एक एक पे चेंज हो रहा है, दूसरे में 2 2 आ रहे हैं, तीसरे में 4 4 आ रहे हैं, चौथे में 8 8 आ रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके ऊपर लिख दें तो ये वही बात है, 2 to the power 0 20, यही है ना। सबसे ये वाली अगर बात की जाए तो ये मेरे पास 2 to the power 0 है, ये वाली चीज 2 to the power 0 है, ये वाली चीज 2 to the power 1 है, और ये वाली चीज 2 to the power 2 है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें, और ये 2 to the power 3 है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना ऊपर, ये खुद ही बता रहा है कि कितने की डिफरेंस से 0 1 इंटरचेंज करते हैं। 2 to the power 0 बता रहा है 1, तो हर 1 के बाद इंटरचेंज होगी वैल्यू 0 1 0 1 0 1। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ 2 to the power 1 जो कि होता है 2, तो ये 0 2 0 आएंगे, 2 1 आएंगे, 2 0 आएंगे, 2 1 आएंगे। तीसरा क्या कह रहा है, 2 to the power 2 यानी 4, ये कह रहा है 4 0 आएंगे, 4 1 आएंगे, फिर 4 0 आएंगे, फिर 4 1 आएंगे, आते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट कह रहा है 2 to the power 3 यानी 8, तो ये कह रहा है 8 0 जाएंगे और 8 आएंगे। ठीक है, तो 8 8 आ गए तो एक ही साइकिल चलेगी, दूसरे में 2 साइकिल होती है, तीसरे में 4 डबल, मतलब जितनी मरता स्विचिंग होगी उतने ज्यादा आएंगे, लेकिन टोटल रहेगा हमेशा 2 to the power n। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना पैटर्न आप कैसे निकालेंगे, तो पैटर्न लिखने का तरीका ये है, हमेशा पहला पैटर्न होगा 0 0 0 और लास्ट पैटर्न होगा 1 1 1, और दरमियान वाले पैटर्न कैसे बन गए, ऑटोमेटिकली इस पैटर्न जो मैंने आपको बताया ना इंटरचेंज करके इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की अगर बात की जाए, यानी मेरे पास एक बाइनरी नंबर है ये, तो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, देखिए मुझे सिर्फ इसको मैप करना है इसके साथ,
ठीक है, आपको पता है ये 2 to the power, अगर मैं मैप करना चाहूँ एक एक को मैप कर दूँ तो ये वाली चीज जो है ये मैप हो रही है 2 to the power 0 पर, ठीक है, ये वाली चीज मैप हो रही है 2 to the power 1 पर, ये वाली चीज मैप हो रही है 2 to the power 2 पर, ये वाली चीज मैप हो रही है 2 to the power 3। मुझे हर नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराना है, यानी 1 multiplied by 2 to the power 3 प्लस 1 multiplied by 2 to the power 2 प्लस 0 multiplied by 2 to the power 1 प्लस 1 multiplied by 2 to the power 0। और फिर डेसिमल के लिए जाहिर सी बात है मुझे मल्टीप्लाई कराना है पावर माइनस 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये सोल्यूशन है, यहाँ पे आप ध्यान दें तो मैंने 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कराया है, 2 से कराया है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, क्योंकि किसी भी चीज को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्चुअली 0 ही हो जानी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए वो 0 से मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखाई, सिर्फ वो वाले मल्टीप्लीकेशन दिखाई है जहां जहां 1 आया, तो मैंने 1 वाले से मल्टीप्लाई दिखाया नहीं है, 0 वाले से दिखाया। देन आ गया यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद क्या था 2 to the power -1 से, ये मैंने दिखाया, फिर 0 वाला नहीं दिखाया, फिर -3 से आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा इन डेसिमल, ठीक है। बेस 10 लिखा हुआ है और ये है बेस 2, यानी ये नंबर जो है 1101.101 एक बाइनरी नंबर है, और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बता। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, हर नंबर को आप उसकी 2 की पावर से मल्टीप्लाई करें और सारों को आपस में ऐड करें, तो मल्टीप्लाई करते जाएं इंडिविजुअल नंबर्स को और ऐड करते जाएं प्लस प्लस प्लस, तो इवेंचुअली मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के बाद यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो आपका डेसिमल रिजल्ट होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सा काम। समझ में आई ये बात कि बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं? आपने स्कूल में भी होपफुली ये किया होगा, यहाँ पे समझ लिया कि कैप है, मतलब स्कूल लेवल पे कराया जाता है। ठीक है, तो फुली समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में ना आए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, लिंक एलएमएस में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको रिवॉच कर लीजिए, ठीक है। तो ये काफी आसान था, मैंने आपको बाइनरी कैसे लिखते हैं, किस तरह पैटर्न जनरेट होते हैं, ये समझा दिया, और एक सिंपल सी एग्जांपल से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी बता जो कि आसान था। मुश्किल क्या है उस पे चलते हैं। मुश्किल है इसका रिवर्स, यानी डेसिमल नंबर नॉर्मली हमारे पास वो डेसिमल होता है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करें, अब डेसिमल से मुझे बाइनरी में जाना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेथड यूज होता है वो कहलाता है रिपीटेटिव डिवीजन मेथड, और डिवीजन में कर रहा था हमेशा 2 से, ये भी था मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या है, इसे अगर मुझे 43 को कन्वर्ट करना है, अच्छा उससे पहले यहाँ पे 2 वर्ड्स आ गए, मैं बता देता हूँ, LSB और MSB, इससे पहले D लिखा हुआ था और मैंने बताया था डिजिट, अब लिखा हुआ है बी, बी का मतलब है बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ये बिट्स की बात। तो सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है, आप अच्छे से समझ गए। तो अब अगर मुझे 43 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कैसे पता बाइनरी में करना है, देखो मैंने लिखा है ये है डेसिमल का क्योंकि इसकी बेस में 10 लिखा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मुझे इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, तो इस नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करना शुरू किया। कैसे डिवाइड किया जी, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, 2 को 43 से डिवाइड करता हूँ तो 2 multiplied by 21 is 42, एक बच जाता है मेरे पास रिमाइंडर, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो 1 रिमाइंडर चला गया। फिर 21 को डिवाइड किया तो 2 multiplied by 10 is 20, फिर वही वाली बात, एक रिमाइंडर चला, रिमाइंडर चला गया। देन 10 को डिवाइड किया तो 2 multiplied by 5 is 10, कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। फिर 2 को 5 से डिवाइड, 5 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश की गई तो 2 multiplied by 2 is 4 होता है, एक बच गया, रिमाइंडर 1। देन 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और ये बच गया एक और हमारे पास 5, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे दूं ताकि आप देख सके, जो कलर पे हाईलाइट है वो मेरा रिजल्ट है,
ये है बस मेरी 43 की बाइनरी कन्वर्टिंग, क्योंकि अगर आप ये कलर में जो नंबर लिखे हैं इनको देखें तो या तो ये जीरो है या तो वन है, वो बाइनरी में जीरो होता है या वन होता है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको करने का तरीका ये है कि हो तो गया कन्वर्ट, लेकिन अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इसको रीड कैसे करूँ, अप टू डाउन आऊँ या डाउन टू अप जाऊँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एरो बना हुआ है कि आपको रीड करना है फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है। तो 43 का जो कोड है वो क्या है, 101, यानी पहले आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 1। तो फाइनल कोड क्या बन गया, 101011, ठीक है। तो रीड करना हमेशा ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ करना, ऊपर से नीचे करोगे मीनिंग बदल जाएगा। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, MSB stands for most significant bit, जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, है ना, लेफ्ट मोस्ट वाली सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, और LSB stand for least significant bit, जो कि राइट मोस्ट बिट। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये कोड 43 है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, जो भी तरीका मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, यानी अगर मैं देखूं तो उस पर 2 to the power 0 मौजूद है, यहाँ ये 2 to the power 1 मौजूद है यहाँ, और ये 2 to the power 2 तो एबसेंट है, 2 to the power 3 मौजूद है। तो जो 1 आ रहे हैं उन्हीं का मैटर करती है, बाकी चीज जरूरी नहीं। 2 to the power 4 एबसेंट है, 2 to the power 5। तो आप अगर इन नंबर्स को ऐड कर लें तो आपको 43 मिलना चाहिए। 2 to the power 5 जो है वो होता है 32 के इक्वेलेंट, तो 32 में ऐड कर लूँ, 2 to the power 3 होता है 8, 32 में अगर मैं 8 ऐड कर लूँ, और फिर प्लस 2 to the power 1 होता है 2, और 2 to the power होता है 0, यानी 2 और प्लस 1। तो अब अगर इसको सम कर लें तो इसका रिजल्ट देखने के आता है 32 प्लस 8 इज 40, 42 एंड 40। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट मैंने ड्राइव किया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो प्रीवियसली मैंने तरीका पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली ये 43 के इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके सीख लिया हमने, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी और डेसिमल को बाइनरी। ये मैंने शॉर्टकट तरीके से किया है, लेकिन आप वो प्रॉपर स्टेप्स करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करते हुए लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा पेस को फास्ट रखते हुए करा दिया है वेरिफिकेशन, ठीक है। आप वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो प्रीवियस स्लाइड्स पे। टू द पावर नॉट मल्टीप्लाई बाय पावर, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्लास, रिपीटेटेड डिवीजन मेथड क्लियर है। अच्छा चले, ये भी हो गया। एक और मेथड है हमारे पास जो कहलाता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन पार्ट, और ये मेथड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी ये जो भी मैंने कन्वर्ट किया 43 इज अ होल नंबर। अगर होता मेरे पास 43.56, तो 56 वाले पार्ट को जो है, 56 वाले पार्ट को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए मुझे रिपीटेटेड मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है, ठीक है। और वो क्या है वो देख लेते हैं। से यहाँ पे मेरे पास नंबर है, मैंने एक फ्लोटिंग नंबर ही लिया हुआ, ठीक है, 0 point something लिया हुआ है, 43 भी समझ सकते हैं आप, कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है इसको कन्वर्ट करना हो अगर मुझे बाइनरी में, तो उसको मैं डिवाइड नहीं करता बल्कि मल्टीप्लाई करता। कैसे करता हूँ वो दिखा देता हूँ। नंबर को मैंने यहाँ लिखा, ये आ गया मेरा नंबर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। इसका रिजल्ट आया मेरे पास ये 0.625। इसमें से जो भी डेसिमल से पहली वाली चीज है ना वो मैं पिक कर लूंगा और वो यहाँ लिख लूंगा, ये मैंने लिख लिया जी। फिर ये जीरो हटा लिया तो बचा 0.625, फिर मैंने 0.625 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो बना 1.25। 1.25 में से मैंने 1 वाला पार्ट निकाल लिया और यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास, क्या बच गया मेरे पास, 0.25, ठीक है। 1 तो निकल गया तो क्या रह गया, 0.25।
तो 0.25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास आ गया 0.50, 0 मैंने निकाल लिया, क्या बच गया 0.5 बच गया, 50 कह लें, 5 कह लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1.00 और यहाँ से मैंने 1 निकाल। ठीक है, ये मजीद आगे फर्दर प्रोसेस हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बच गया है वो है 0। 0 को चाहे मैं जितनी मरतब अभी 2 से मल्टीप्लाई करता रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को अब मजीद अगर मल्टीप्लाई करता रहूँगा तो 0 ही आता रहेगा, तो ये रिजल्ट मेरा ऑलरेडी सेचूरेट हो चुका है। तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या है, 0101, तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट 0.010। तो फ्लोटिंग पार्ट को यानी डेसिमल के बाद वाले पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता रहता हूँ जब तक कि मेरा ये फैक्टर जो है 0 ना हो जाए, या हो सकता है कोई ऐसा नंबर मैं आपको दे दूँ जो 0 ही ना हो, से पाई देगी वैल्यू मैंने 22.7 वाली वैल्यू, तो चलती जाएगी। तो उस केस में फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है या 6 डेसिमल प्लेसेस तक करना है या 4 डेसिमल। ठीक है, लेकिन ये वाली एग्जांपल हमारी 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाके खुद ही सैचुरेट हो गई और मजीद आगे नहीं है। ये बात समझ में आई कैसे कन्वर्जन हुई। जी क्लास क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो, अगर क्लियर ना हो तो जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह शाम तक और शेयर कर दूंगा एलएमएस में, फिर आप लोग वहां से देख लीजिए। अच्छा 46.3 हो तो सिर्फ मैं 0.3 लूंगा और उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। 46 वाला पार्ट कैसे कन्वर्ट होगा वो जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया रिपीटेड डिवीजन वाले मेथड से, यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ इसको 0 के बजाय कर देता हूँ 46 करते हैं। ठीक है, तो 46 वाला पार्ट कैसे होगा जो अभी पीछे हमने तरीका पढ़ा रिपीटेटिव डिवीजन, तो इसको 2 तरीकों से सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग तरीका और होल नंबर पार्ट के लिए अलग तरीका। जी जी बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट अलग सॉल्व होगा इसमें और होल नंबर पार्ट अलग। इसमें देखिए हेडिंग भी मैंने मेंशन की थी लेकिन मैंने उसको एम्फसाइज नहीं किया, ये लिखा हुआ फॉर फ्रैक्शन और ये देखिए लिखा हुआ फॉर होल नंबर पार्ट, फॉर होल नंबर पार्ट है ये मेंशन है रिपीटेटिव डिवीजन होल नंबर पार्ट के लिए, और अगर कोई इसके आगे पार्ट आ जाता है हमारे पास तो उसके लिए रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन फॉर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो दोनों करने होंगे, तो ये वाला स्टेप थोड़े से मुश्किल नहीं लेंथी हो जाएंगे, और इसमें नई चीज क्या है जो आपने अभी तक स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ी थी वो यही वाली पार्ट है रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो बाकी सब तो आपने पढ़ा हुआ है, ये नई चीज आपको सिखाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लेक्चर यहीं तक था, अगर किसी को कंफ्यूजन और क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जी एंड में आंसर को मर्ज कर, तो कोई क्यूरीज है या अपने लेक्चर को कंक्लूड कर। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो फिर मैं लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ, टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।